हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सत्तू टेक इन्फो। इस वीडियो में मैं आपको पीएफ अकाउंट के 10 फ़ायदों के बारे में बताऊंगा, यानी कि 10 बेनिफिट्स ऑफ ईपीएफ अकाउंट इन डिटेल्स। तो आइए जानते हैं क्या है 10 बेनिफिट्स पीएफ अकाउंट के। पहला है कर मुक्त बचत, यानी टैक्स फ्री सेविंग। ईपीएफओ योजना के तहत आपके अकाउंट में जो पैसे जमा रहते हैं उस पर ईपीएफओ इंटरेस्ट देती है, यानी ब्याज देती है, जो पहले से ही संगठन द्वारा यानी ईपीएफओ द्वारा तय की जाएगी। भारत सरकार की वास्तविक जमा राशि और जमा पर प्राप्त ब्याज की राशि दोनों को पूरी तरह से कर मुक्त बनाती है, यानी टैक्स फ्री बनाती है। पाँच साल पूरा होने के बाद किसी भी तरह की निकासी या निश्चित एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट्स उठाने की परिपक्वता पूरी तरह से कर मुक्त है। 5 साल कंप्लीट होने के बाद अगर आप अपने पैसे निकासी करते हैं ईपीएफओ से, तो आपको टैक्स फ्री मिलेगा। 5 साल से पहले अगर आप अपने बैलेंस विड्रॉ करते हैं तो आपको आपके निकासी पर टैक्स लगेगा। ये है। दूसरा है दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा, यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इस तरह के खाते में जमा किए गए फंड को व्यक्ति द्वारा आसानी से नहीं निकाला जा सकता है, और इसलिए यह बचत सुनिश्चित करने में मदद करता है। तीसरा है इस्तीफा या नौकरी छोड़ना, यानी रिजाइनेशन या क्विटिंग द जॉब। कर्मचारी नौकरी छोड़ने के एक महीने बाद इस्तीफा देने के बाद ईपीएफ फंड का 75% निकाल सकता है, यानी आपने जॉब छोड़ दिया तो 75% एक महीने बाद आप पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन 25% जो रहेगा वो आप नहीं निकाल सकते हैं। शेष 25% को बेरोजगार होने के 2 महीने बाद लिया जा सकता है। जो आपका 25% बचेगा उसको आप दो महीने बाद फिर से निकाल सकते हैं। चौथा है अनदेखी परिस्थितियाँ, यानी अनसीन सर्कमस्टेंसेस। कर्मचारी किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में यानी इमरजेंसी में संचित निधि का उपयोग कर सकता है। कर्मचारी समय से पहले फंड को वापस लेने का फैसला कर सकता है। इस योजना में विशेष विशिष्ट मामलों में समय से पहले निकासी की अनुमति है। आप इमरजेंसी में अपने फंड को विड्रॉ कर सकते हैं। पांचवा है आय या बेरोजगारी की हानि, यानी इनकम और अनएम्प्लॉयमेंट लॉस। ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं जहां कर्मचारी किसी भी कारण से वर्तमान में अपने पास मौजूद नौकरी खो देता है, यानी आप बेरोजगार हो जाते हैं, अपना जॉब छोड़ देते हैं। उस केस में इन समयों के दौरान धन का उपयोग उस व्यक्ति के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। तो इस वक्त आप अपना खर्चा चलाने के लिए निकाल सकते हैं, पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। छठा है मृत्यु यानी डेथ। कर्मचारी के निधन के मामले में, यानी आपकी अगर डेथ हो जाती है किसी वजह से, ब्याज सहित एकत्रित राशि कर्मचारी के नामित को दी जाती है, यानी आपके नॉमिनी को
विथ इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको। मृत्यु के बाद के ये लाभ परिवार को कठिन समय से गुजरने में मदद करेंगे। सातवां है लेट ऑफ यानी ले ऑफ। नौकरी के अचानक छंटनी के मामलों में इस फंड का उपयोग व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, जब तक कि उस व्यक्ति को एक और स्थिर नौकरी नहीं मिलती। यानी सडनली आपने नौकरी छोड़ दिया, तो जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती तब तक आप इस फंड का यूज कर सकते हैं। यह एक और ईपीएफ कर लाभ है। आठवां है कर्मचारी की विकलांगता यानी डिसेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय। यदि कर्मचारी अब काम नहीं कर सकता है या काम करने की स्थिति में नहीं है, तो वह व्यक्ति धन का उपयोग करने में सक्षम होगा, यानी उस समय भी आप विड्रॉ कर सकते हैं अपना ईपीएफ अकाउंट का पैसा। और इन निधियों यानी फंड्स से व्यक्ति को अपने कठिन समय से गुजरने में मदद मिल सकती है। नौवां है लॉन्ग रन सेविंग। लॉन्ग रन सेविंग्स क्या है? यह ईपीएफओ स्कीम उन व्यक्तियों के लिए पूर्ण प्रमाण और सुरक्षित है जो लंबे समय में निवेश करना चाहते हैं, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यह सही है लॉन्ग रन सेविंग। दसवां है सेवानिवृत्ति की अवधि यानी रिटायरमेंट पीरियड। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन योजना के तहत जो फंड जमा होता है उसका इस्तेमाल कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के समय कर सकता है। मौद्रिक सुरक्षा के रूप में यह योजना सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को राहत प्रदान करेगी। लगभग हर कोई ईपीएफ सेवानिवृत्ति लाभ बहुत उपयोगी मिलेगा। तो ये थे 10 यानी 10 बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफओ के 10 फायदे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।